इजीली उसको गिनाना तो मुश्किल है। और धनतेरस के दिन मैंने अपने हस्बैंड को लगभग 1.5 से 2 लाख का चूना लगाया है, तो वो हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आप सबका मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। तो जैसा कि आज धनतेरस का जो ब्लॉग है वो मैं ऐसे ही छोटा छोटा शूट कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है ये दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हो कि ये सारी कॉपर की मूर्तियाँ हैं और कितनी प्यारी लग रही थी। मैं मार्केट में गई थी तो मैंने सोचा चलो ठीक है छोटा छोटा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इतना प्यारा लग रहा था मार्केट, इतना खूबसूरती से सजाया गया था कि बिना शूट किए से रहा ही नहीं गया। तरह तरह की चीज़ें मार्केट में मिल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था शॉपिंग करने में भी। और तो उसके बाद में थोड़ा सा ऐसे लोकल मार्केट से फिर उसके बाद चली गई थी मॉल में, बच्चों के लिए कपड़े लेने थे, तो फिर मैं मॉल में ऐसे छोटे सी क्लिप बनाने की कोशिश कर रही थी, आप देख सकते हैं, बट कुछ सही नहीं लग रहा था तो फिर मैं भाग गई, मैंने फिर बनाया भी नहीं। और मॉल में मैंने बस थोड़ी सी शॉपिंग की थी, बच्चों के लिए कपड़े लिए थे और अपने लिए जो कपड़े थे वो मैंने लोकल मार्केट से लिए थे। उसके बाद मैं चली गई थी हजरतगंज, उसके बाद मैं हजरतगंज गई क्योंकि जहाँ पे मैंने सबके लिए सामान लिया वहाँ पे मुझे अपने लिए कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैं चली गई हजरतगंज। और हजरतगंज को हर साल इतना ब्यूटीफुल तरीके से सजाया जाता है कि लोग देखने जाते हैं स्पेशली हजरतगंज, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है। बट इस बार पता नहीं क्या हुआ कि हजरतगंज में उतना ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं हुई थी, इनफैक्ट कुछ भी नहीं हुई थी, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो हुई थी मैंने कैप्चर कर लिया कैमरे में अपने। तो ये रहा हजरतगंज। और हजरतगंज से मैंने जो शॉपिंग करने गई, मैं मुझे वहाँ पर भी कुछ नहीं पसंद आया, मैं काफ़ी घूमती रह गई। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड कह रहे बाप रे तुम्हारे लिए कहाँ से सामान आएगा, तुम्हें तो कुछ पसंद ही नहीं आता। और सच में मुझे जल्दी कुछ नहीं पसंद आता है, मेरे लिए कोई भी सामान पसंद करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमती रहती हूँ, बट मुझे कुछ पसंद नहीं आता है। और तो उसके बाद में काफ़ी घूमने टहलने के बाद फाइनली मैंने अपने लिए कुछ लिया था और वो आपको मेरे दिवाली ब्लॉग में दिख जाएगा। उसके बाद हमें थोड़ी सी छोटी छोटी जो भूख होती है ना वो लग गई, और हजरतगंज में मैंने ये जो क्या होता है ये पता नहीं इसको भेल बोलते हैं या पता नहीं जो भी बोलते हैं, बट ये बहुत टेस्टी था। अगर आप लखनऊ में रहते हैं और अगर आप हजरतगंज जाते हैं तो प्लीज़ इसको बनवा के ज़रूर खाइएगा, बहुत यमी लगता है ये। उसके बाद हम लोग चले गए फिर हजरतगंज में, हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग जो भी एक दो भी की, कुछ लिया। उसके बाद हम लोग फिर जा रहे थे, हजरतगंज पहुँचे तो याद आया कि यार बॉम्बे पाव भाजी आए हैं तो खा के ही जाते हैं। हजरतगंज में बॉम्बे पाव भाजी बहुत फेमस है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है धनतेरस, तो हैप्पी धनतेरस आप सब लोगों को। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी कि मैं गई थी मार्केट, और आज मार्केट में इतनी ज़्यादा चहल पहल है, इतना अच्छा लग रहा है मार्केट
कि मैं क्या बताऊँ, इतनी पता है दीपावली के फेस्टिवल में ना सबसे अच्छी बात यही लगती है कि जो मार्केट होती है ना इतनी सजी होती है, इतनी खूबसूरती से उसको सजाया हुआ होता है, लाइटिंग की हुई होती है कि देख के मज़ा आ जाता है। बिल्कुल घूमी हूँ काफ़ी, करीब मतलब लगभग 4-5 घंटे लगातार मैं मार्केट में रही हूँ। ज़्यादा कुछ मैंने लिया नहीं है, बस बच्चों के लिए कपड़े लिए, अपने लिए लिए, और धनतेरस के लिए मैंने लिया है चांदी का एक सिक्का लिया, और छोटी 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 बहुत सारी चीज़ें ली हूँ, उसको गिनाना तो मुश्किल है। और धनतेरस के दिन मैंने अपने हस्बैंड को लगभग 1.5 से 2 लाख का चूना लगाया है, तो वो चूना क्या लगाया है ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है अभी, तो जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या चूना लगाया है अपने हस्बैंड को, अभी इतना ज़्यादा महंगा। और धनतेरस में थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, और मैंने इस बार धनतेरस से पेंडिंग था तो, लेकिन इस बार फाइनली हो गया ये। और बहुत ज़्यादा सामान इस बार मैंने नहीं लिया है, बर्तन भी मैंने कुछ नहीं लिया, बस एक छोटा सा स्टील का मतलब मैं क्या बोलूँ डूंगा या फिर बोल ले लिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ लेना ही नहीं था। और इस बार की जो दिवाली थी मेरी बहुत बिजी बिजी गई है, मतलब दिवाली का जो एक होता ना इन्जॉयमेंट वो तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया है। तो आप लोगों ने धनतेरस पे क्या लिया मुझे बताइएगा, और मार्केट की आप शेयर कीजिए, और देखिए आपके लखनऊ कैसे सजाया गया है, आप लोगों की अब जो आप लोग जहाँ पे रहते हैं आप लोगों का शहर किस तरीके से सजाया गया है प्लीज़ बताइएगा, और आप लोगों ने क्या ख़रीदारी की, क्या शॉपिंग की धनतेरस पे, क्या शॉपिंग की वो भी बताइएगा। और ये जो मेरा धनतेरस का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड करूँगी, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय।